मिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं और उधर क्या स्थिति है। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी को की माता स्नेह विलख कर विलख विलाप करते हुए ये वचन बोली। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अथ अच्छा नहीं। जो धनुष बाणासुर रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और श्री राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इससे वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जानती हैं ये ईश्वर है और ये सब कुछ करने में सक्षम है। यहाँ पे वात्सल्य भाव है। इनको लगा कि प्रभु इतने कोमल हैं जो फूलों का दोना नहीं उठा सके, वे इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इस बात की उनको चिंता है। तो हर मनुष्य अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु के दर्शन कराए। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति को जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि और विष्णु और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। वह है दो अक्षर राम नाम का मंत्र। महान मत वाले गजराज को छोटा सा भी अंकुश भी वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोक को अपने वश में कर रखा है। बिल्कुल सही है, फूलों का ही धनुष बाण लेकर अपने, क्योंकि किसी के गले में अगर हम हार पहनाते हैं इसलिए नहीं पहनाते कि हम उसे पसंद करते हैं, इससे नहीं कि भाई वो बड़ा अच्छा इंसान है,
इसलिए पहनाते हैं क्योंकि मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, मैं उसको सम्मानित करूंगा, हार पहना के तो मेरे अधीन हो जाएगा और मेरे इशारे अनुसार नाचेगा, इसलिए मैं उसे हार पहनाता हूँ। तो अगर जो भक्त होते हैं उन्हें जब सम्मान इस प्रकार दिया जाता है, वो क्या सोचते हैं कि प्रभु के का प्रतिनिधि बन के मैं ले रहा हूँ, ये हार मेरे प्रभु का मेरा नहीं है। जब इस प्रकार उनके सोच होता है मेरे प्रभु का मेरा नहीं है, उनके अंदर कभी अभिमान उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न कब होता है? जब हम उसे अपना मानते हैं कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। कहते हैं कि जो मेरे अंदर गुण है मेरे प्रभु के कारण है, प्रभु की कृपा चल रही है, इसमें मेरी क्या विशेषता, प्रभु जब चाहे कृपा छीन सकते हैं, मैं कैसे श्रेय ले सकता हूँ। अगर मुझे हार पहनाया जा रहा है तो प्रभु के ही वजह से पहनाया जा रहा है, तो इसके असली हकदार मेरे राम जी हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुने रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिष्ट देवता से विनती कर रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हुई है, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की और देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं का मना रही हैं, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट उठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री डरे हैं इसलिए कोई इन्हें सीख भी नहीं देता, पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रीतमा का भाव है, इसीलिए उस भाव में तो प्रभु बड़े सुंदर और कोमल दिखाई देते हैं। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से कई हीरा छेदा जा सकता है, सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, अतः हे शिवजी के अनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार श्री को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। निमेश कहते हैं आग झपकने में जितना समय लगता है उसको एक निमेश कहते हैं, कहते उसका भी एक लव यानी अंश तो सोचो कि 100 युगों के समान बीत रहा है। यह प्रेम की अवस्था में ही स्थिति हो सकती है, बगैर प्रेम के कोई भी इस स्थिति में नहीं आ सकता। तो इससे पता चलता सीता जी कितना अगाध प्रेम है राम के प्रति। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके सुख रूपी कमल ने रोक रखा है, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि मन वचन तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में रखता है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान
मुझे रघुशेष श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यानी ये बात सही है कि जितना प्रेम हमारा होएगा प्रभु के प्रति उतनी मात्रा में ही हमको कृपा मिलेगी। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि श्री इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गुरु जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण देखा कि रघुकुल मनी श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलके तो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो जिससे हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की गुरुता, देवताओं और शेष मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी आपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी का बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझ कर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। तो प्रभु विलंब कर रहे थे क्योंकि प्रेम की सीमा तक ले जा रहे थे उस सीता जी को, इसलिए जब उनका प्रेम इस सीमा तक पहुंच गया कि शरीर वो छोड़ने को तैयार हो गई, तब प्रभु ने सोचा अब मुझे तोड़ देना चाहिए। कहते समय बीत जाने फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। केवल प्रेम ही विशेष प्रेम, इतना प्रेम कि प्रभु के बगैर वो शरीर छोड़ सकती है। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी नहीं लगा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सप्त श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा, उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रभु को धनुष को बीच से तोड़ा। तो बीच से क्यों तोड़ा, ऊपर नीचे से क्यों नहीं तोड़ा। धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है और बीच से तोड़ने में जब शरीर नहीं था तो अहंकार नहीं था, आगे जब शरीर नहीं रहेगा तो अहंकार भी नहीं रहेगा। तो बीच की अवस्था में तो अहंकार होता है, इसलिए इस बीच की अवस्था में अहंकार टूटना चाहिए। इसी कारण से उन्हें बीच से तोड़ा। दूसरी चीज,
धनुष जो है डोरी से बंधा हुआ है और डोरी को संस्कृत में गुण कहते हैं। तो मनुष्य भी गुणों से बंधा हुआ है। सब मनुष्य के अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं मुझे प्राप्त करने के तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण भी नहीं चलेगा, क्योंकि सतोगुण में सत्कर्म का अभिमान होता है। जब इंसान प्रेम में डूबता है तब वो सतोगुण से ऊपर उठता है और उसे ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई ज्ञान है, इतना प्रेम में डूब जाए तब वो तीनों गुणों से परे होता है। तो इसीलिए प्रभु ने क्या किया, धनुष को गुणों से मुक्त कर दिया। ईश्वर ही जीव को गुणों से मुक्त करते हैं प्रेम में डुबा के। तो एक एक भाव ये भी है। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चल लगे, दिग्गज चिघाने लगे, धरती डोलने लगी, शेषवरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं उन सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर है। वो क्या है, सबका संदेह अज्ञान नीच राजा का अभिमान, परशुराम जी गर्भ गुरुता, देवता मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दुख, ये सब खत्म हो गए धनुष टूटते ही। प्रभु ने दोनों धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो पूछा कि प्रभु ने तो आपका त्याग कर दिया, आपको तो आप तो गिर गए हो। उन्हें कहा कि प्रभु ने मेरा त्याग नहीं किया, अगर मैं गिरा हूं तो कहाँ पे गिरा हूं, तो प्रभु के चरणों में गिरा हूं। जो इंसान प्रभु के चरणों में गिरता है उसका पतन नहीं, उसका तो उद्धार होता है। तो कौन किसने कहा कि प्रभु ने त्याग दिया, उन्होंने मुझे अपने चरणों में डाल दिया। और प्रभु के चरण प्राप्त करना यही तो सबका उद्देश्य और लक्ष्य होता है। उन प्रभु को चल जो ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ है सब उसको ढूंढ रहे, और मुझे वो चरण इतनी आसानी से मिल गए तो मेरा तो असीम सौभाग्य है। यह देख सब लोग सुखी है, क्योंकि धनुष टूटने के बाद सब सुखी होते हैं। मतलब जब जीव का अहंकार टूटता है तभी तो सुखी होता है, अहंकार के कारण ही तो जीव दुखी रहता है। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में जिसे प्रेम सुंदर अथा जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावल भी भारी लहरें भरने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगने गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिस पे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तक स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट मग और सूत लोग वृद्धावली का बखान करे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मनी और वस्त्र निछावर करे हैं। जांझ मृदंग शंख शनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तक युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों से रानियां अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख
किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी तब शतरंज जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिस पर विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखे दशा देखकर समझा का सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी श्री राम जी गले में जयमाला पहना दिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सीता जी कब हमें स्वीकार करती है? भक्ति कब आती है? जब अहंकार का नाश होता है। एकमात्र ईश्वर ही जीव के अहंकार को तोड़ सकते हैं। किसी और में क्षमता नहीं है अहंकार को तोड़ने की। दूसरा इसका भाव क्या है? सीता जी क्या करती है, जय माला को उठा के प्रभु के गले में डालती हैं, और माला तो हृदय के ऊपर ही आती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु के हृदय तक पहुंचना है तो भक्ति का आश्रय लो। एकमात्र भक्ति ही आपको प्रभु के हृदय तक पहुंचा सकती है। बगैर भक्ति का आश्रय ले जी कभी भी प्रभु के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका एक अर्थ ये भी है। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता केन्द्र मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि करे हैं और भाटो वृद्धावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों कालों में यश फैल गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती करे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर करे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार एकत्रित हो गए हों। सखिया कह रहे सीते स्वामी के चरण छो, किंतु सीता अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। क्यों चरण स्पर्श नहीं करती? प्रभु के दर्शन मात्र से सीता जड़ जैसी हो गई। कहते केवल और हम ये भी पढ़ते हैं, जहां प्रभु स्पर्श करते हैं तो जड़ चेतन बन जाते हैं और चेतन जड़ बन जाते हैं। प्रभु के दर्शन करने मात्र से, यानी जो चलते फिरते हो गए प्रभु इतने सुंदर है, वो स्तंभित हो जाते हैं, इतना प्रेम उमड़ पड़ता है। और जो पत्थर वगैरह पेड़ है वो पिघल जाते हैं, या पेड़ झुक जाते हैं, या पत्थर पिघल जाते हैं, जड़ चेतन हो जाते हैं। तो कहते जब दर्शन मात्र से सीता जी की हालत है तो स्पर्श करने से वो तो मूर्छित ही हो जाएंगी। इसलिए सीता जी इन सब के सामने भरी सभा में उनके चरण स्पर्श नहीं करी है।
गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तम तमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांधो। धनुष तोड़ने से ही चार नहीं सरेगी, यानी पूरी होगी हमारी। जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक को सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्जल राज समाज को देखकर भी तो लाज भी लज्जा गई। अरे तुम्हारा बल पता वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि कब कि अब कहीं से आई है, मिली है। ऐसी दुष्बुद्धि तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र बहकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उस पे पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारी लालच भी वैसी ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों से सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल है और बाहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कल भई देखकर जनकपुर किश्तिया व्याकुल हो गए और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए मानो बाज के झपेटे पर बटे लुख छिप गया हो। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फबरी है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, बाहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्कंडे हैं, छाती और भुजा विशाल है, सुंदर यज्ञोपवी धारण किए माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु कर्णी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता मानो वीरसी मुनि का शी धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। अब देखो सब यहाँ पे युद्ध करने को तैयार हैं, वो चाहते नहीं कि सीता विवाह राम से हो। और लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब प्रभु चाहते नहीं है कि विवाह के उस समय में लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव ही होता है कि बुरा करना, भाई कैसे भी और काम को बिगाड़ना। प्रभु चाहते नहीं थे ऐसा होए, तो प्रभु परशुराम जी को प्रेरित करके यहाँ पे बुलाते हैं
क्योंकि वो जानते हैं परशुराम जी कैसे हैं। परशुराम जी से सभी लोग परिचित है क्योंकि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था और सब उनसे भयभीत थे। अगर परशुराम जी इधर आते हैं और राम और परशुराम जी का वार्तालाप होता है, ये तो मैं का प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग है जो परशुराम जी व्यवहार करते हैं उसका एक ही उद्देश्य और तात्पर्य राम की महिमा को प्रकाशित करना, राम की श्रेष्ठता साबित करना, और कोई उनका दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए वो पराजित होकर जाते, जब पराजित होने कोई दुख नहीं होता, ना जीतने वाले खुशी होती है। नॉर्मली देखा गया जो जीता बड़ा खुश होता है, हारने वाला दुखी होता है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि राम की महिमा प्रकाशित हो गई इससे वो बड़े आनंदित होकर जा रहे हैं और समर्पण के भाव इन्होंने राम के प्रति दिखाए। वो हम प्रसंग पढ़ेंगे कि राम और परशुराम जी का जो संवाद है वो किस प्रकार का है। तो ये चीज एकदम क्लियर समझ लो कि परशुराम जी का जो आगमन हुआ है प्रभु की इच्छा से हुआ है और प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए है, और लड़ाई झगड़ा इधर ना हो इनके होते हुए। जब देखेंगे सभी कि परशुराम जी राम जी से हार गए तो बाकी लोग डर के मारे अपना भाग जाएंगे और लड़ाई झगड़ा टल जाएगा। परशुराम जी का भयानक वेश, सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, उठ खड़े और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज जिसकी और देख लेते वह समझता मानो मेरी आयु पूरी हो गई, यानी इतना डरते कि उनकी दृष्टि पड़ते लगता कि आप मेरा वध न कर दें। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सख्य हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राधा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित हो रहे हैं, यानी उनके नेत्रों को लाभ मिल रहा है लेकिन हृदय को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? नेत्र शांत हो रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। जो सीता जी ने हमें प्रक्रिया बताई पुष्पवाटिका में, प्रभु को देखने के बाद आंखों के द्वारा हृदय में ले आना चाहिए, तब जाके हृदय शीतल होएगा। अगर हृदय में प्रभु को नहीं लाओगे, संसार रहेगा तो आपका हृदय अशांत रहेगा, क्योंकि संसार के हर वस्तु परिवर्तनशील है, तो हृदय में परिवर्तन आते रहेंगे और जब परिवर्तित होएगा तो अशांति लगेगा हमेशा। तो इन्होंने क्या गलती की, प्रभु को देखने के बाद हृदय में उतारने के बजाय इनकी दृष्टि खंडित वस्तु पे गई, टूटे हुए धनुष पे गई। अखंड को देखने के बाद जब दृष्टि खंडित वस्तु पे जाती है तो क्रोध ही तो आता है, जबकि प्रभु को आंखों के द्वारा हृदय में ले आना चाहिए था, लेकिन अखंड को देख लिया। अब क्या देखना बाकी है, किसी और कुछ देखना बाकी अखंड को देखने के बाद? नहीं, यही तो गलती करके खंडित पे इनकी दृष्टि गई, तब इन्हें क्रोध आता है। फिर सब देखकर जानते भी अनजान किता जनक जी से पूछता, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके श्री में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी और देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध भरकर वे कठोर वचन बोले। जब टूटे हुए धनुष को देखा तो इनका क्रोध बहुत बढ़ गया। और देखो इनकी बात करने की कला कैसी करते हैं। रे मूरख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? क्या किसी को इस तरीके से संबोधित किया जाता है? जनक जी इतने महान है कि बड़े बड़े ऋषि लोग उनके पास ज्ञान लेने आते हैं, उनको विदेह कहा गया, देवीमान से ऊपर उठे, हर वक्त प्रभु में मग्न रहते, राम में रमन करते हैं, शरीर से क्रिया करते हुए भी, और तुम उनको रे मूरख जनक करके संबोधित करते हो। अहंकारी इंसान की यही समस्या है, मैं वो बदतमीजी से सबसे बात करते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला बड़े प्रेम से बात करे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
रे मूर्ख जब बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आत्मा, जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसे कार्य में उत्तर नहीं देते यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्रीपुर सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है, सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आदर्शन भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भय भी देख और सीता जी को डरी भी जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद, क्योंकि ईश्वर परिपूर्ण है। उन सीता जी उनकी अभिन्न शक्ति है, उनके हलादनी शक्ति है। उन्हें किसे प्राप्त करना है, जो चीज नहीं होती वो मिले तो खुश होती, जो उनकी अभिन्न है इससे न किसी बात का खुश न उन्हें किसी बात का दुख था, और वो इस बात को जानते भी है प्रभु। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। तो जब प्रभु ने ऐसा कहा कि तोड़ने वाला आपका एक दास ही होगा, तो ये समझ नहीं सके क्या है, क्योंकि उनको लगा जिसे धनुष को तोड़ा है वो अकड़ के घूमता आएगा, बड़ा खुश होएगा, और क्योंकि जब इंसान को सफलता मिलती है वो अकड़ के ही तो घूमता है और दिखाता कि मैंने कितना बड़ा काम किया अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। तो उन्हें ऐसा को दिखाई नहीं दिया, प्रभु को इतने दीन भाव से थे वो समझ नहीं सके कि धनुष किसने तोड़ा। आप प्रभु कह देते कि मैंने तोड़ा है तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि प्रभु ने ही तो वास्तव में तोड़ा है, लेकिन हमारे प्रभु के अंदर इतनी विनम्रता है, हमें शिक्षा देने के लिए कार्य करने के बावजूद विनम्रता होना ही भक्ति का लक्षण है। प्रभु की कृपा मानना और विनम्र बनाए रखना यही भक्ति का लक्षण है। अकड़ना और अहंकार में घूमना ये आप इसे आप प्रभु की कृपा हट जाती है, ये भक्त के लक्षण ही नहीं है। अगर ये चीज प्रवेश आ रही मतलब कि आपका भजन कमजोर है, आप सत्संग का भाव है, इसलिए इस प्रकार के मन में आपके विचार आ रहे हैं, अभिमान आ रहा है, अकड़ आ रही है, तो और विनम्रता बनी हुई है, अब भगवान की कृपा मान लो तो सोचो भगवान बहुत कृपा आपके ऊपर चल रही है, आप वास्तव में आप सच्चे भक्त बन गए हो। तो परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह जो सेवा काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा वह शस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है। क्यों शिव जी के धनुष को क्यों तोड़नी थी, वो तो पूजनीय, ऐसा तोड़ना क्यों था। भैया धनुष किसका है, शिव जी का, दिया किसको, जनक को, दोनों आनंदित हो रहे हैं तो आपको क्यों दुख आ रहा है। धनुष ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे, कहते परब्रह्म परमात्मा आएंगे, अवतार लेंगे, उनके हाथ से स्पर्श तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो शिव जी के हाथ पे था, उसे वियोग सहनीय हो रहा था, तो प्रभु ने कहा कि तेरा उद्धार हो जाएगा। और जनक जी को दिया और जनक जी खुश हैं तो आपको क्यों दुख हो रहा है। अच्छा आपको कहता है कि शिव जी का धनुष है इसे तोड़ा, इससे क्रोध आ रहा है, तो शिव जी धनुष तोड़ने के लिए नहीं दिया तो क्या चलाने के लिए दिया था क्या। अगर चलाने के लिए दिया होता तो साथ में बाण को भी तो देते थे, तो बाण क्यों नहीं दिया, इसका मतलब तोड़ने के लिए दिया था। अगर चलाने के लिए दिया तो बाण को भी दे देना चाहिए था साथ में। इसे स्पष्ट है कि तोड़ने के लिए ही दिया गया था। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा वह शस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। लक्ष्मण जी क्यों आए, उन्हीं की भाषा में क्यों जवाब देने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगा
कि राम जी में इतनी विनम्रता दिखाई दे रही है तो ये प्रभु को तो क्षमा करके चले जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में अगर कोई प्रभु को न पहचान सके इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया, क्योंकि जो भाषा बोलते वही भाषा में जवाब देंगे। ये विनम्रता की भाषा जो प्रभु बोलते ये परशुराम जी के समझ नहीं आने वाली थी, क्योंकि उन्होंने जीवन में हमेशा सफलता ही देखी है और इस कारण अभिमान आ जाता है। इसलिए प्रभु कई बार हमारे जीवन में पराजय क्यों देते हैं, कि मन को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि हमेशा सफलता मिलेगी तो लगा कि हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं, अभिमान से हम भरे रहेंगे। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का धनुष क्या धनुई के समान है? क्या ये साधन धनुष है तो शिवजी का धनुष है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहे, दे सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराना धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि लाभ, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। तो कहते हैं हमारी जान में तो सभी धनुष एक है, क्योंकि धनुष अहंकार का प्रति, क्या बड़ा अहंकार थे क्या छोटा अहंकार, हम यानी कहते हैं लड़कपन से हमने दुनिया तोड़ दिया है, यानी हमारा स्वभाव है शुरू से जीव के अहंकार को तोड़ते रहना, हमारा स्वभाव है। तो क्या शिव का धनुष हो या कोई भी हो, अहंकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, अहंकार अहंकार ही होता है, हम अहंकार सबके अहंकार को नष्ट करते ही करते हैं, इसका अर्थ ये होता है। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ, श्री राम इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर तो ये छूते ही टूट गए, इस पर श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं। और हमने पढ़ा था किसी ने प्रभु को न उठाते लेते चढ़ाते हुए धनुष को देखा, उन्हें देखा कि प्रभु के हाथ पर धनुष और स्पर्श होते ही टूट गया। यानी जीव में ईश्वर आएंगे ही तो बुराइयां नष्ट हो जाती, अहंकार टूटता ही टूटता है ईश्वर के आने मात्र से। और जीव अगर प्रभु को अपने करीब लिया या उसका संपर्क कर सकता है आज भी, किस प्रकार, नाम के द्वारा, क्योंकि नाम नामी से अभिन्न है, इसलिए जो इंसान नाम का जप करता है वो ईश्वर के डायरेक्ट संपर्क में रहता है, क्योंकि प्रभु नाम के द्वारा उसकी जीवा पे नृत्य कर रहे होते हैं, उसका डायरेक्ट संपर्क रहता है भगवान के साथ, इसलिए उसका अहंकार टूटता ही टूटता है, उसके अंदर अहंकार रह नहीं सकता, उसके अंदर विनम्रता आएगी आएगी, जो नाम निष्ठ होगा उसी के अंदर आएगी, क्योंकि नाम निष्ठ होगा तो निरंतर नाम जप करेगा, निरंतर जाप करेगा तो कहां से बुराई आएंगी। तो मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फर्ज से की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता, क्या मैं साधारण मुनि हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्र कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हो, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बार बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। आप देखिए इन शब्दों का अभिप्राय क्या है, मैं बाल ब्रह्मचार्य यत्न कर दो, अरे आपने अगर ब्रह्मचार्य का पालन किया है तो उसका अभिमान क्यों पालन कर रहे हो? अगर अभिमान ही लाना था तो विवाह कर लेते, कम से कम अभिमान तो नहीं आता था। और अत्यंत क्रोधी हो, भैया क्रोध के अधीन होना तो गलत है, क्रोध को स्वीकार करना और त्यागना, जैसे शंकर जी का धनुष, शंकर जी क्या करते हैं, धनुष को स्वीकार करते हैं युद्ध करने के लिए, त्रिपुरासुर का वध करने के, यानी अहंकार को स्वीकार किया जाता है बुराई का नाश करने के लिए, कारज होने के बाद उन्हें धनुष को त्याग दे, यानी अहंकार का त्याग कर दो कारज होने के बाद, हमारी समस्या अब अहंकार को सिर पर चढ़ा के बैठ जाते हैं, इसी में इसी से तो हमारा पतन होता है। ये जब कोई कार्य करना तो इंसान ये नहीं कह सकता किसी को कि होएगी तो होएगा, वो अहंकार लेता है, हाँ मैं करूंगा, अंदर से मानता है कि प्रभु की कृपा से कार्य सफलता होगी, लेकिन ऊपर से तो ये सब कहने पड़ते हैं, हाँ मैं करूंगा, और वो प्रयास करता भी है।
और कार्य में सफलता हो गई उसके बाद तो धनुष का त्याग कर दो, अहंकार का त्याग कर दो। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अहंकार के अधीन हो जाते हैं और यही हमारे पतन का कारण हो जाता है। क्षत्र कुल का विषय में विख्यात हूँ, आपके भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उससे ब्राह्मणों को दे डाला, यानी त्याग का अभिमान। बार बार दौते मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया, मैं चाहता तो उसका उपभोग कर सकता था, मैंने उसका त्याग कर दिया। अब लो बताओ, हे राजकुमार, यानी इसे कहते सात्विक अहंकार, बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं दानी हूँ, यही तो सात्विक अहंकार होता है। हम सत्कर्म करते हैं लेकिन उसका अभिमान पालते हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु कार्य स्वयं सिद्ध हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, उनकी हमारे पे कृपा है, हमें यश दे रहे, हमारे हाथ से कोई बड़ा काम करवा दिया तो इससे हम श्रेय कैसे ले सकते हैं। सारा श्रेय तो हमारे राम जी को ही जाता है, वो हमें कृपा की शक्ति दे के काम करवा रहे हैं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राज रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, शस्त्र भाव के भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्श को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फर्सा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसो कोमल वाणी से बोले, अहो मनुष्य तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यह कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं, जो तजिन जो सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बांध देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझ कर यज्ञोपवीत देखकर तो मैं तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारी कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती क्योंकि इन्हें मारने में पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इससे आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष बाण और कुठार तो अवैध ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो सो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के कारण के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, यही अहंकारी इंसान की विशेषता है, मैं कितना महान हूं, मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध बतलाओ, यानी मेरी प्रशंसा करो, मेरी महिमा गाओ, तब वो खुश होते, किसी और की महिमा गाओगे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अहंकारी इंसान की यह विशेषता है, इसकी ये समस्या होती है। लक्ष्मण जी ने कहा, हेमुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, आपने अपने ही मुंह से आपकी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक असहाय दुख मत सहिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते, शूर वीर तो युद्ध में करनी सुवीरता कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर वीर ही अपने प्रताप की डींक मारा करते हैं, आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेले बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोला,
आप लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। अगर ये कड़वा बोल रहे इसे मारे जाने योग्य है तो क्या आप मीठा बोल रहे हो? क्या आप भी तो कड़वा बोल रहे हो? अहंकार इंसान में है कि मैं जैसे मर्जी बोलूं, कड़वा बोलो जो बोलो, सामने वाला मुझसे मीठे से बोलना चाहिए, वो कड़वा बोलेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, अगर आप कड़वा बोलोगे तो सामने वाला भी कड़वा ही भाषा बोलेगा। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष सगुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहे हैं। मैं दया रहित क्रोधी, यानी ब्राह्मण में तो बहुत अधिक दया होनी चाहिए। ब्राह्मण तो प्रभु के भक्त होते हैं, उनमें दया होनी चाहिए। अगर उनमें दया नहीं है और क्षमा के भाव नहीं, तो यानी वो ब्राह्मण बने नहीं अभी। और कहते मैं दया रही तो क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, यानी हम किसी को जवाब भी नहीं दे सकते, समझा भी नहीं सकते। अहंकारी इंसान की समस्या है, मेरी हाँ में हाँ कर मुझे उत्तर नहीं देना, दोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी हाँ में हाँ करते जाओ, बस मुझे करेक्ट करने का भी प्रयास मत करो, मुझे उत्तर मत दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने पर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से प्रेम से शीलता मत, दूसरों की भावना ख्याल करना। तो अगर तुम्हें शीलता इतनी अच्छी लगती है तो स्वयं भी जीवन में शीलता ले आओ। वो हम नहीं लेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी भावना ख्याल कर शीलता रखे। तो अगर तुम चाहते हो सामने शीलता रखे, तुम भी शीलता रखो उसके प्रति भैया, उसकी भावना ख्याल तुम्हें भी रखना चाहिए। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े परिश्रम गुरु से ऋण हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधन छत्र ही समझ रहे हैं, किंतु ये लेव भाई केवल फॉलआउट की बनी हुई खांड है, ऊँख की खांडनी जुम्मू में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसब बने हुए इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि विश्वामित्र को लगा कोई इनके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जो निर्भयता से इनके साथ बात कर रहा है, उत्तर दे रहा है, क्या वो साधारण जीव हो सकता है जो आंख उठा कर निर्भयता से उनको उत्तर दे? क्रोध के कारण इनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है, पहचान नहीं पा रहे कि स्वयं काल खड़ा है सामने, लक्ष्मण जी शेषनाग काल खड़ा है सामने, वो जवाब दे रहा है और इन्हें वो साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। यही होता है, इसलिए हमेशा सफलता प्राप्त होना अच्छी बात नहीं है, इससे अभिमान आए बिगैर रहा नहीं जाता। इसलिए पराजित होना भी बहुत जरूरी है मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। नहीं तो इंसान को जब अचानक पराजय का सामना करना पड़ेगा तो वो सहन नहीं करेगा, पागल हो जाएगा। अगर पराजय मिलती रहेगी बीच बीच में तो उसे दिमाग सही रहेगा और वो ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि इनको पहली बार उत्तर मिल रहा है, इसके पहले इनको अभी किसी उत्तर ही नहीं दिया, इससे तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहे, मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरुण हो ही गए, आप गुरु का रिंद रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह माँ तो हमारी मत्थे काट था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुशे, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ कर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर वीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया।
लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर लक्ष्मण रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जब लक्ष्मण जी उत्तर देते उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था तो राम जी आगे बीच में और उन्होंने उनके क्रोध को शांत किया। कैसे? हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे अद्भुत मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। भैया, इसको दुतमुहा क्यों कहा गया? दुतमुहा तो उसे कहते हैं कि जिसके दूध के दांत, अगर बड़ा छोटा बालक होता है, माँ पर निर्भर रहता है। तो इनका और राम जी का कुछ क्षणों का अंतर था जन्म के समय में, तो यार उन्हीं के उम्र के हैं तो इनको दुतमुहा क्यों कहा गया? इसलिए जैसे छोटा बच्चा माँ पर पूर्ण निर्भर रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से राम पर निर्भर रहते, इसलिए वो दुतमुहे हैं, छोटे बालक की तरह। प्रभु जो चाहेंगे वो करूंगा, जिससे प्रभु प्रसन्न उस पर मैं प्रसन्न, जिससे प्रभु नाराज उस पर मैं नाराज, मेरा अपना कोई स्वभाव नहीं, मैं प्रभु के अनुसार उनकी परछाई के अनुसार मैं चल रहा हूं। और जब प्रभु ने कहा सीधा दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए, ये दूध मुहे, तो इस बात को प्रभु स्वयं ने काटे जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी को कहते हैं अयोध्या कांड में कि आप घर पे रहिए और जिम्मा लिए, मैं जंगल जा रहा हूँ। तब वो कहते हैं कि भाई मैं तो दूध, मैं तो कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकता, छोटा बालक क्या जिम्मेदारी उठाएगा जो दूध मुहा होता है। और वो कहते हैं मैं तो छोटा बालक, मैं जिम्मेदारी क्या उठाऊंगा, मैं तो दूध मुहा हूँ। और प्रभु काट नहीं सको कि ये शब्द उन्हीं के मुख से निकला था, इसलिए प्रभु को उनको साथ लेके जाना पड़ा। यदि यह प्रभु का आपका कोई भी प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। आज इस छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी यानी एक जैसे सबको देखने वाले, सुशील यानी आप में बहुत ज्यादा शीलता है, और ज्ञानी मुनि आप ज्ञानी में बहुत श्रेष्ठ हो। यानी इनकी प्रशंसा की, श्री राम जी वचन सुनकर भी कुछ ठंडे पड़े, अहंकारी इंसान की प्रशंसा कर दो वो अपने आप शांत हो जाता है। इससे कई बार इंसान को जान छुड़ा देनी चाहिए, किसी की प्रशंसा कर दो, जान छोड़ दे तो आपके भजन में बाधा डालेगा, कर दो उसको श्रेय चाहिए, फ्री में दे दो, आपकी जेब से क्या गया, कम से कम आपको तंग तो नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे आप रोक नहीं सकते हो उसका बल अधिक है, तो उधर प्रशंसा करके जान छुड़ाना ही अच्छा रहता है। और जहां पे समझा सकते हो तो समझा दो, नहीं तो छोड़ दो। तो हमने ये क्या, रामचंद्र वचन सुनकर भी को ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुराए, उनका हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्हें कहा हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। वो हंसा तो क्यों हंसा, उत्तर दे रहा तो क्यों उत्तर दे रहा है, हंस रहा तो क्यों हंस रहा है, यानी हर चीज में अहंकारी इंसान को समस्या ही रहती है, ना वो खुश रहता है ना वो किसी खुशी से रहने देता है। उसका अहम इतना था, उसको लगता है कि हर चीज मेरे को केंद्रित की जा रही है। यानी आप किसी से बात करो, आपको हंसी आ गई और आपकी दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर, तो वो लगे देखो मेरे को लेके हंस रहा है। यानी वो अपने आप को इतना महत्व देता है कि बस खुद भी परेशान रहता है और सबको परेशान करता है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विष मुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं। यानी फिर आप बार बार शीलता की बातें करते हो, तो स्वयं भी जीवन में शीलता ले आओ भाई, खुद शीलता लाने लेके शीलता की बातें करने। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। बात बिल्कुल सही है, और गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण जी ने यही बात कही है। क्या कहा है कि ये सब कैसे उत्पन्न होता है? कहते चिंतन करने से आसक्ति, कोई भी चीज जो चीज का ज्यादा चिंतन उसके प्रति आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना,
कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध, क्रोध से बुद्धि भ्रमित और मनुष्य का पतन होता है। ये गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण जी अर्जुन से बात कहते हैं। अब वही बात लक्ष्मण जी, क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। आप इतना ज्यादा चिंतन करो टूटे हुए धनुष का, उसके प्रति इतनी आसक्ति है कि आपको क्रोध आ रहा है और विश्व भर के प्रति को सबका अहित करता है। क्रोध में विचार शक्ति रहती, इंसान सबका अहित ही तो करता है, हित कहाँ करता है। तो कथा हम कल पढ़ेंगे, समय हो चुका है, कल रात को इसी समय इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। वांछा कल्पत्रु भेश्चे कृपा सिंधु एवच पतितानं पावने भयो वैष्ण भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।